आज के बाद जब हमारा मांग पूरा नहीं होगा राज्य स्तर पर 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार का सलाहकार पटना में जुटेंगे। सरकार की इस अनदेखी के कारण आज हम लोग मात्र 13,000 पे खट रहे हैं। सरकार से बस हमारी यही डिमांड है कि हम लोग जन सेवक का काम जो पहले था वो काम आज हम लोग कर रहे हैं, तो हमें भी वो जन सेवक का जो समायोजन के है उसमें हम लोग को जोड़ा जाए। भुखमरी की स्थिति है, न बच्चों को फीस देना, न बिजली का बिल भरना, यानी घर का राशन का स्थिति पूरा बिगड़ गया है, और हुक्मरानों की वेतन लाखों में है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त हमारी उपस्थिति कृषि भवन में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार प्रदेश किसान सलाहकार के संघ के कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सीधा अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं और बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है, पूरे बिहार में किसान सलाहकार आज जिला मुख्यालय में धरना पर बैठा हुआ है, और आज के बाद जब हमारा मांग पूरा नहीं होगा राज्य स्तर पर 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार का सलाहकार पटना में जुटेंगे। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा नहीं कोई ठोस निर्णय लिया गया तो हम लोग आत्मदाह के लिए भी उतारू होंगे। चलिए, यहाँ पे महिला किसान सलाहकार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या मांग है सरकार से आपकी, और एक दिवसीय धरना जो आप आए हैं बैठे हैं क्या मांग है सरकार से? हम लोग को बस जन सेवक के पद पे समायोजन करना है। जो पहले जनसेवक कार्य करते थे वही काम हम लोग का है, प्रचार प्रसार, लेकिन हम लोग का मानदेय भी कम है, और हम लोग का मतलब समझिए कि सरकार से हमेशा उपेक्षित ही हम लोग को मिलता है। काम हम लोग करते हैं लेकिन किसी श्रेय किसी और को मिल जाता है। किसको मिलता है श्रेय? जो ऊपर वाले हैं उनको मिलता है। हाँ, चलिए और भी महिला, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या डिमांड है? सरकार से बस हमारी यही डिमांड है कि हम लोग जन सेवक का काम जो पहले था वो काम आज हम लोग कर रहे हैं, तो हमें भी वो जन सेवक का जो समायोजन के है उसमें हम लोग को जोड़ा जाए। देखिए, जन सेवक की भारी कमी के कारण ही हम लोगों की बहाली की गई थी, आज उसका अनदेखी किया जा रहा है और आज हम लोग हाशिए के शिकार है। सरकार की इस अनदेखी के कारण आज हम लोग मात्र 13,000 पे खट रहे हैं, जो एक भुखमरी की स्थिति है। न बच्चों को फीस देना, न बिजली का बिल भरना, यानी घर का राशन का स्थिति पूरा बिगड़ गया है, और हुक्मरानों की वेतन लाखों में है, और 13,000 रुपया सर माना चाहिए सरकार को, और हम लोगों का भी मानदेय बढ़ाना चाहिए, और साथ ही जनसेवक में नियमावली के अनुसार हम लोग को बहाल करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे पूरे परिवार के साथ। मैं अभिजीत रंजन संपतचक, मेरा एक बेटा है, उसको साथ लेकर आत्मदाह करेंगे, ये मेरा वादा है और करेंगे। चलिए, इससे पहले तो किसान को आत्मदाह करते हुए आप देखे होंगे, अब किसान सलाहकार भी आत्मदाह करने का धमकी दे रहे हैं सरकार को अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक दिवसीय धरना है आज, तो इन्होंने चेतावनी देने का काम किया सरकार को, अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो ये आत्मदाह तक भी करेंगे। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।